हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो विल कवर इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स। मैंने इसे भी पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तीन पार्ट में, शॉर्ट वीडियोस सो दैट इट्स इजी फॉर यू टू रिमेंबर एंड सी दी वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट बुक्स बाय नोबेल लॉरिएट्स एंड अवार्ड विनिंग ऑथर्स। सो रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल लॉरिएट भी हैं, इनके बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, पिछले साल भी क्वेश्चंस आए थे मैच दी फॉलोइंग करके। सो लेट्स सी, रविन्द्रनाथ टैगोर की बुक्स है गीतांजलि, बहुत ही फेमस, गोरा ये भी बहुत फेमस है, द पोस्ट ऑफिस ये क्लास टेंथ में सीबीएसई सिलेबस में एक चैप्टर था, एक पार्ट था, गार्डनर, हंग्री स्टोन्स, द किंग ऑफ डार्क चैम्बर्स एंड द होम एंड द वर्ल्ड एंड चंदलिका। चंदलिका तो बहुत ही फेमस है, ठीक है। वी एस नैपोल ये इंडियन ओरिजिन के नोबेल प्राइज विनर है, ट्रैवल राइटर हैं, ट्रिनिडाड और ब्रिटिश इनकी सिटीजनशिप है, बट ये इंडियन ओरिजिन के ही हैं। सो इनका बहुत ही फेमस बुक है इन अ फ्री स्टेट, इन्हें मैन बुकर प्राइज भी मिला है 1971 में इस बुक के लिए। एनीवे, सो अनदर बुक इज अबेंड इन द रिवर, वेरी फेमस, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, द मिस्टिक मेजर, ये भी बहुत ही फेमस बुक रही है। अनदर इंपॉर्टेंट बुक इज इंडिया अ मिलियन म्यूटिनीज नाउ, हाफ अ लाइफ, द हाउस ऑफ मिस्टर बिस्वास, ये भी काफ़ी फेमस है, एंड मैजिक सीड्स। सो ये सारी बुक्स आपको याद रहनी चाहिए, और ये इज जस्ट नॉट अबाउट टेस्ट नेट, जितने भी अदर एग्जाम्स हैं, SSC है, बैंक PO वगैरह के एग्जाम जिसमें बुक्स एंड ऑथर्स पूछे जाते हैं, ये सारे बुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अमर्त्य सेन बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट, नोबेल लॉरिएट भी हैं, इनकी बहुत ही फेमस बुक है द आर्गुमेंटेटिव इंडियन। ये क्वेश्चन पिछली बार टेस्ट में आया था, और तीन चार बुक थे, और अकॉर्डिंगली अगर आप ऑप्शंस भी एलिमिनेट कर लेते थे तो आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। एनीवे, द अदर बुक इज द ग्रोथ इकोनॉमिक्स, द आइडिया ऑफ जस्टिस ऑन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, आइडेंटिटी एंड वायलेंस, द इल्यूजन ऑफ डेस्टिनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक इनकी है, कमोडिटीज एंड कैपेबिलिटीज। तो अब सारी बुक ही ये इकोनॉमिक्स जॉनरा क्या है, इनइक्वालिटी री एग्जामिंड, इक्वालिटी ऑफ कैपेसिटी, तो ये भी इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। तो ये सारी ही बुक आपको याद रखनी चाहिए, और मैं लिस्ट वाइज बना दिया हूँ कि किसका कौन सा है, सो दैट यू डोंट हैव टू रिमेंबर एवरी टाइम फॉर द एवरी ऑथर। एक ऑथर को ले लो, कौन से बुक्स हैं इनके, VS नैपोल के, इनके कौन से बुक हैं, एंड अमृत्य सेन के कौन से बुक हैं। अमृत्य सेन के हमेशा कभी न कभी हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नाउ अनदर फेमस ऑथर है सलमान रुश्दी, काफ़ी कंट्रोवर्सीज में हैं, इनकी सबसे लैंडमार्क बुक रही है मिडनाइट चिल्ड्रन, सैटनिक वर्सेस, काफ़ी कंट्रोवर्शियल थे, इंडिया में बैन भी हुआ था फॉर वट एवर रीजन। शेम इनकी अच्छी बुक है, द मूर्स लास्ट साई, फ्यूरी, द इंचैंट्रेंस ऑफ फ्लोरेंस, ग्रीमस एंड द ग्राउंड बीनीथ हर फीट, तो ये सारी बुक आपको याद रहनी चाहिए। पहली दोनों द मिडनाइट चिल्ड्रन एंड सैटनिक वर्सेस बहुत ही कॉमनली नोन है। अरुंधति रॉय ये भी काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज में रहती हैं, तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इनकी सबसे बड़ी बुक थी, जिन्हें मैन बुकर प्राइज मिला था 1997 में, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ब्रोकन रिपब्लिक, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, पावर एंड पॉलिटिक्स, द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनाइट जस्टिस, द कॉस्ट ऑफ लिविंग, लिसनिंग टू ग्रास होपर्स, ये भी बहुत ही अच्छी बुक है, अगर आपको पढ़ना है तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड बुक है, द लिसनिंग टू ग्रास होपर्स, एन ऑर्डिनरी पर्सन्स गाइड टू एम्पायर, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, ये रिसेंटली रिलीज हुआ है 2017 में, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस। अरविंद अयेटिका इनकी बहुत ही फेमस बुक है, द वाइट टाइगर, द लास्ट मैन इन द टार, वाइट टाइगर तो बहुत ही फेमस है, बिटवीन द असैसिनेशन, ये भी काफ़ी फेमस बुक रही, द सुल्तान्स बैटरी, द एलिफेंट, लास्ट क्रिसमस इन बैंड्रा एंड सेलेक्शन डे। नाउ किरण देसाई इनकी दो ही फेमस बुक हैं, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस्ट एंड हुला बुला इन अ गुआवा ऑर्चर्ड। नाउ अब कुछ बुक्स देख लेते हैं हमारे प्रोमिनेंट लीडर्स के। सो लेट्स स्टार्ट विद महात्मा गांधी, इनकी तीन किताबें बहुत ही फेमस हैं, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, आप लोग सब कोई जानते होंगे, हिंद स्वराज, अगर गांधी को पढ़ना है, गांधी को समझना है, गांधी की आइडियोलॉजी की समझना है, तो हिंद स्वराज से अच्छी कोई बुक नहीं है। बहुत लोग गांधी को जानते नहीं हैं मगर बहुत सारी बातें करते हैं, तो हिंद स्वराज उनके लिए रिकमेंडेड बुक है। की टू हेल्थ ये भी महात्मा गांधी की ही किताब है। नाउ जवाहरलाल नेहरू ये भी काफ़ी बुक लिखे हैं इन्होंने, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत ही अच्छी किताब है, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जवाहरलाल नेहरू इनकी हमेशा से ग्लोबल अप्रोच रही है, थोड़ा बिगर पिक्चर में चीज़ों को इन्होंने देखा है, समझा है, तो इस बुक को पढ़ लीजिए, इससे और भी ज़्यादा जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको जानने को मिलेगा। एनीवे, द इंडस स्ट्रगल 1920 to 1942, इट इज़ बाई सुभाष चंद्र बोस। इंदिरा गांधी माई ट्रुथ,
ये भी काफी फेमस बुक रही है उनके टाइम में। गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजनी नायडू, द ब्रोकन विंग, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग, ये भी सरोजनी नायडू की है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है सरोजनी नायडू के नाम। द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग, आप देख रहे हो सिमिलर नेम पे ही बुक है, तो वो भी सरोजनी नायडू की है। द स्केप्टेड फ्लूट, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, वो भी सरोजनी नायडू की है। द फेदर ऑफ द डॉन, ये भी सरोजनी नायडू की है। राजेंद्र प्रसाद की एक ही बुक आई थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, वो है इंडिया डिवाइडेड। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ये फर्स्ट इंडिया के एडुकेशन मिनिस्टर रहे, इनके दो बुक रहे हैं, इंडिया विंस फ्रीडम एंड गुबार के खातिर। नाउ बुक्स बाय प्रोमिनेंट लीडर्स के फर्दर लिस्ट में है अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया इज बाय लाला लाजपत राय। प्रोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, ये दादा भाई नौरोजी जी की बहुत ही फेमस बुक है, टेस्ट का एग्जाम दे रहे हो तो हो सकता है ये बुक के बारे में पूछ लिया जाए। नाउ बाल गंगाधर तिलक थोड़े राइट विंग के थे, इनकी दो बुक्स हैं गीता रहस्य एंड द आर्कटिक होम इन वेदास, सो ये दोनों किताब बाल गंगाधर तिलक के हैं। वी डी सावरकर, इनकी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। पी वी नरसिम्हा राव, ये प्राइम मिनिस्टर रहे हमारे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लिबरलाइजेशन, द इनसाइडर, माई कंट्री माई लाइफ बाई एल के अडवाणी। नाउ एपीजे अब्दुल कलाम की जितनी भी बुक्स हैं, अभी और भी हैं, एपीजे अब्दुल कलाम की जितनी भी बुक्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो विंग्स ऑफ फायर्स आप सभी जानते होंगे, इग्नाइटेड माइंड्स, यू आर यूनिक, इंडिया 2020 काफ़ी फेमस बुक है, इनडोमिनेटेबल स्पिरिट, टर्निंग पॉइंट्स, टारगेट 3 मिलियन, माई जर्नी, ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इंटू एक्शन, गवर्नेंस फॉर ग्रोथ इन इंडिया, तो ये सारी ही किताबें एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद के नाम हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो इन्हें ज़रूर याद रखना चाहिए। कुछ और बुक्स देख लेते हैं, जॉब फॉर आर मिलियंस, ये वीवी गिरी हमारे प्रेसिडेंट भी रहे हैं। मी कैंप बहुत ही फेमस बुक है, हिटलर ने लिखा है। मी कैंप जर्मन में है, इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है माई स्ट्रगल, इट इज़ बाई एडोल्फ हिटलर। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स, आर वेंकटरमन ऑफकोर्स ये प्रेसिडेंट रहे हैं। माई ओन्स बॉसवेल, एम हिदायतुल्लाह, ये हैं माई ओन्स बॉसवेल, उतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं। प्रिजन्स डायरी, ये इंपॉर्टेंट बुक है जेपी के, जेपी आंदोलन कहा जाता है या टोटल रेवोल्यूशन कहा है, ये काफ़ी टाइम इन्होंने जेल में बिताया है और आज के जितने भी लीडर्स हैं ये जेपी आंदोलन से ही निकले हुए हैं और ये जो प्रिजन्स में अपनी सारी हैपनिंग हुई है वो प्रिजन्स डायरी में इन्होंने लिखा है। नीलम संजीवा रेड्डी, ये आंध्र प्रदेश के बहुत बड़े लीडर रहे हैं, तो इनकी बुक है विदाउट फियर और फेवर, मिडनाइट डायरीज, बोरिस येल्सटीन, मिडनाइट डायरीज। बराक ओबामा की दो किताबें आई हैं, द ऑडोसिटी ऑफ होप एंड ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। एस राधाकृष्णन, ये इंडिया के सेकंड वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, इनकी दो किताबें हैं इंडिया फिलॉसफी एंड हिंदी व्यू ऑफ लाइफ, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, और अभी जो शशि थरूर की नई बुक निकली है वाई आई एम अ हिंदू, उसमें ये दोनों बुक में काफ़ी सिमिलैरिटी है, दोनों बुक पढ़ने लायक है। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन एंड ऑटोबायोग्राफी, ये आई के गुजराल की ऑटोबायोग्राफी है। द व्यू अ व्यू फ्रॉम आउटसाइड, ये पी चिदम्बरम की बहुत ही फेमस बुक है अ व्यू फ्रॉम आउटसाइड। बैक टू वर्क, बिल क्लिंटन, हार्ड चॉइसेस, हिलारी क्लिंटन, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है नेल्सन मंडेला का, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इन्होंने लगभग 27 साल जेल में गुजारा है और अपार्थीट के अगेंस्ट इनकी स्ट्रगल रही है, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम या लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, अब हम लोग दूसरे पार्ट में देखेंगे अदर इंपॉर्टेंट बुक्स बाय इंडियन ऑथर्स।